गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, पिछले पार्ट में हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल के ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ रहे थे और उसमें हम लोगों ने इलेक्ट्रिक डाइपोल के ड्यू टू एक्सिस पर और इक्वेटर पर इंटेंसिटी निकालना पढ़ लिया था। अब हम इलेक्ट्रिक डाइपोल के ड्यू टू बताए थे कि एट एनी पॉइंट इंटेंसिटी निकालेंगे। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल के ड्यू टू एट एनी पॉइंट इंटेंसिटी कैसे निकालेंगे, इसको देखिए। सी एट एनी पॉइंट इलेक्ट्रिक डाइपोल के ड्यू टू एक्सिस पर और इक्वेटर पर हम लोग इंटेंसिटी निकाल लिए थे। अब ऐसे पॉइंट पर इंटेंसिटी निकालेंगे जो ना तो एक्सिस पर हो और ना ही इक्वेटर पर हो। एक बात यहाँ पर डेरिवेशन करने के पहले समझ लें, सबसे पहली चीज कि इलेक्ट्रिक डाइपोल को जनरली हम लोग रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं, ये दो बना दिया, एक प्लस पोल पॉजिटिव चार्ज बना दिया, एक नेगेटिव चार्ज बना दिया और बीच में इनका डिस्टेंस दोनों पोल का 2L लिख दिया। ये हम इलेक्ट्रिक डाइपोल को ऐसे जनरली रिप्रेजेंट करते हैं। जिस दिन हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल बताया था ऐसे ही बताया था। इलेक्ट्रिक डाइपोल को रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका है, आप केवल एक एरो बना दीजिए और ऊपर P लिख दीजिए, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल हो जाएगा। इलेक्ट्रिक डाइपोल का मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को ही आप दिखा दीजिए तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मान लिया जाता है। इसलिए इलेक्ट्रिक डाइपोल को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इलेक्ट्रिक डाइपोल को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि एरो बनाकर पी दिखा दीजिए और इलेक्ट्रिक डाइपोल मान लिया जाएगा। एक बात तो ये याद रखिएगा। दूसरी बात, आप फर्स्ट ईयर में रिजोल्यूशन हेडिंग पढ़े हो वेक्टर अलजेब्रा में, तो रिजोल्यूशन में फर्स्ट ईयर में जो आपको पढ़ाया गया है कि रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर इन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, यानी किसी वेक्टर को दो या तीन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में रिजोल्यूट करना हम लोग पढ़े हैं। यहाँ थोड़ा सा रिजोल्यूशन में एक और नई चीज़ जान लो, जैसे फर्स्ट ईयर में जो रिजोल्यूशन पढ़े हो उसे भी देख लीजिए और एक और रिजोल्यूशन जिसकी ज़रूरत पड़ती है उसको भी देख लो। जैसे मान लीजिए आपको कोई वेक्टर ए दे दिया गया और कहा गया इसको रिजोल्यूट कीजिए, तो आप क्या करते थे कि इसको जिन दो कंपोनेंट में रिजोल्यूट करते थे उसमें एक कंपोनेंट एक्स एक्सिस के रंग होता था और एक कंपोनेंट वाई एक्सिस के रंग होता था। तो इसको हम एक्स कंपोनेंट कहते थे, इसको वाई कंपोनेंट कहते थे, ये आपने पढ़ा है। तो इसको कहते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। तो किसी भी वेक्टर को रिजोल्यूट करने का एक तरीका तो ये बताया गया है कि आपको यदि कोई वेक्टर दिया गया है तो उसको दो कंपोनेंट में आप रिजोल्यूट करिए, तो एक कंपोनेंट एक्स एक्सिस के लांग हम ले लेते थे और एक कंपोनेंट वाई एक्सिस के लांग ले लेते थे। ये तरीका हम लोग फर्स्ट ईयर में पढ़े हैं, तो इसको कहते हैं रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर इन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। वेक्टर के रिजोल्यूशन का एक और भी तरीका है, जैसे मान लीजिए आपको एक वेक्टर ए दिया गया और कहा गया इसको दो कंपोनेंट में रिजोल्यूट करो, तो इसका एक कंपोनेंट आप चाहे जिधर ले लीजिए लेकिन दूसरा कंपोनेंट उस कंपोनेंट के परपेंडिकुलर होना चाहिए। जैसे एग्जांपल के तौर पर हमने आपको वेक्टर ए दिया और हमने कहा इसको रिजोल्यूट कीजिए, तो इसका एक कंपोनेंट मान लीजिए मैंने इधर ले लिया थीटा डिग्री पर, तो जो दूसरा कंपोनेंट होगा वो इस कंपोनेंट के परपेंडिकुलर होगा, यानी इस कंपोनेंट से 90 डिग्री एंगल पर होगा। और आप बाकी तो पढ़े हो कि जो एंगल बना रहा है मेन वेक्टर से वह कॉस कंपोनेंट हो जाएगा और ये साइन कंपोनेंट हो जाएगा। तो इस तरह से भी हम वेक्टर का रिजोल्यूशन करते हैं और इस तरह से भी रिजोल्यूशन करते हैं। इस रिजोल्यूशन को हम कहते हैं रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर इन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट और इसको कहते हैं रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर इन गिवन डायरेक्शन। तो इस तरह के रिजोल्यूशन में हम एक कंपोनेंट किसी और तरफ ले ले जिस तरफ मन करे ले लेते हैं और दूसरा जो कंपोनेंट होता है वो इस कंपोनेंट के परपेंडिकुलर होता है। तो ये रिजोल्यूशन आप फर्स्ट ईयर पढ़े हो, ये रिजोल्यूशन हम बता दिए, तो इसी का यूज हम इस हेडिंग में करेंगे। और यहाँ एक बार फिर आपको दोबारा रिपीट कर दें कि किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल को रिप्रेजेंट करना है तो ये भी तरीका है और ये भी तरीका है। तो किसी एरो बना करके पी लिख दीजिए, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल हो जाता है, और यदि आप एरो बनाकर एम लिख देंगे तो ये मैग्नेटिक डाइपोल हो जाएगा, कैपिटल एम लिख देंगे तो आगे इसको मैग्नेटिज्म में पढ़ाया जाएगा। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल या मैग्नेटिक डाइपोल को रिप्रेजेंट करने के ये भी तरीके हैं एरो से।
तो एरो बनाकर पी ले दीजिए, इलेक्ट्रिक डाइपोल हो जाएगा। अब हम अपने हेडिंग पर आते हैं, अपने पॉइंट्स पर आते हैं। हम इलेक्ट्रिक डाइपोल के ड्यू टू एट एनी पॉइंट इंटेंसिटी निकालना चाहते हैं, यानी किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल के ड्यू टू हम ऐसे पॉइंट पर इंटेंसिटी निकालना चाहते हैं जो न तो डाइपोल के एक्सिस पर हो और न ही डाइपोल के इक्वेटर पर हो। जैसे मान लो हमने एक इलेक्ट्रिक डाइपोल लिया, इसका इलेक्ट्रिक डाइपोल का डाइपोल मोमेंट पी है और डाइपोल का मिड पॉइंट हमारा ओ है। अब इस डाइपोल के ड्यू टू किसी पॉइंट ए पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी है, और जिस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी है उस पॉइंट की डिस्टेंस डाइपोल से आर है, और उस पॉइंट से डाइपोल को मिलाने वाली लाइन डाइपोल के साथ थीटा एंगल बना रही है। अब इस पॉइंट पर हमको इंटेंसिटी निकालना है, और जिस पॉइंट पर इंटेंसिटी निकालना है आप देख रहे हो कि वो पॉइंट इस डाइपोल के एक्सिस पर भी नहीं है, इक्वेटर पर भी नहीं है, तो यहाँ इंटेंसिटी निकालना है। ए पॉइंट पर इंटेंसिटी निकालने के लिए हम करते क्या हैं कि इस डाइपोल मोमेंट पी को दो कॉम्पोनेंट में रिजॉल्व कर देते हैं। तो पी को दो कॉम्पोनेंट में हम रिजॉल्व कर रहे हैं, तो इसका एक कॉम्पोनेंट हम उसी तरफ लेंगे जिस तरफ हमें इंटेंसिटी निकालनी है। जैसे हमारा ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इसका डाइपोल मोमेंट पी है, ए पर इंटेंसिटी निकाल रहा है। ए पर इंटेंसिटी निकालने का जो सबसे ईजिएस्ट मेथड है वो ये है कि इस डाइपोल मोमेंट पी को आप दो कॉम्पोनेंट में रिजॉल्व कर दो। इस पी का एक कॉम्पोनेंट उस पॉइंट की तरफ ले लीजिए, उस पॉइंट के डायरेक्शन में ले लीजिए जहां आपको इंटेंसिटी निकालनी है। तो चूंकि हमें ए पर इंटेंसिटी निकालनी है, इसलिए इस डाइपोल मोमेंट का एक कॉम्पोनेंट हम उसी तरफ कर दे रहे हैं जिधर हमारा पॉइंट ए है। तो ये कॉम्पोनेंट हो जाएगा आर, इधर बना दे, ये कॉम्पोनेंट हो जाएगा पी कॉस थीटा। अब अभी हमने बताया है रिजॉल्यूशन ऑफ ए वेक्टर इन गिवन डायरेक्शन, तो एक कॉम्पोनेंट हम इधर ले लिए, तो P का जो दूसरा कॉम्पोनेंट होगा वो इस कॉम्पोनेंट के परपेंडिकुलर होगा, यानी ये दूसरा कॉम्पोनेंट हो गया P साइन थीटा। तो इस तरह हमने इस डाइपोल मोमेंट P को दो कॉम्पोनेंट में रिजॉल्व कर दिया, एक कॉम्पोनेंट हमारा हो गया P cos थीटा और एक कॉम्पोनेंट हो गया P साइन थीटा। अब यदि इसको, हालांकि ये P cos थीटा और P साइन थीटा P के ही कॉम्पोनेंट है, लेकिन यदि P cos थीटा को हम एक डाइपोल मन में मान लें, फिर मैंने बताया कि P sin थीटा एंड P cos थीटा आर द कॉम्पोनेंट ऑफ वेक्टर P, यानी P sin थीटा और P cos थीटा वेक्टर P के कॉम्पोनेंट हैं। लेकिन यदि P cos थीटा जो कॉम्पोनेंट है उसे भी हम एक डाइपोल मान लें, ऐसा डाइपोल जिसका डाइपोल मोमेंट P cos थीटा है, और P sin थीटा जो कॉम्पोनेंट है इसे भी हम एक डाइपोल मान लें जिसका डाइपोल मोमेंट P sin थीटा है, तो हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। तो मान लीजिए कि P cos थीटा हमारा एक डाइपोल है, तो जब ये एक डाइपोल हो गया और इस डाइपोल के ड्यू टू हम एक बार A पर इंटेंसिटी निकालेंगे, तो जिस पॉइंट पर हमें इंटेंसिटी निकालना है वह पॉइंट इस डाइपोल के एक्सिस पर है, और इसे भी हम एक डाइपोल मान लें तो यही पॉइंट इस डाइपोल के इक्वेटर पर है। तो देखिए इसमें सीधा सा करना क्या था, हमने इस क्या किया, P को दो कॉम्पोनेंट में रिजॉल्व कर दिया, एक कॉम्पोनेंट P cos थीटा एक P sin थीटा। तो P cos थीटा को भी हम मन में एक डाइपोल मान लें और P sin थीटा को भी मन में एक डाइपोल मान लें, और इस ए पॉइंट पर इंटेंसिटी एक बार P cos थीटा के ड्यू टू एक बार P sin थीटा के ड्यू टू निकाल लें। P cos थीटा के ड्यू टू इंटेंसिटी निकालना आसान है, क्योंकि ये यदि से हम एक डाइपोल मानते हैं तो ये पॉइंट इस डाइपोल के एक्सिस पर है, इसलिए इसके ड्यू टू ए पर इंटेंसिटी निकालने के लिए एक्सिस वाला फार्मूला लगा देंगे। ये पॉइंट ए इस डाइपोल के एक्सिस इक्वेटर पर है, इसलिए इसके ड्यू टू ए पर इंटेंसिटी निकालने के लिए इक्वेटर वाला फार्मूला लगा के फिर डायरेक्शन के हिसाब से रिजल्टेंट निकाल देंगे। तो सबसे पहले हम ए पर इंटेंसिटी इसके ड्यू टू निकालेंगे, यहाँ लिखेंगे इंटेंसिटी एट ए ड्यू टू पी कॉस थीटा। तो ए पर इंटेंसिटी पी कॉस थीटा के ड्यू टू निकालेंगे, तो चूंकि ए पॉइंट इस डाइपोल के एक्सिस पर है, इसलिए यहाँ इंटेंसिटी को हम इवन से लिख दे रहे हैं और एक्सिस वाला फार्मूला लगा रहे हैं।
तो डाइपोल के एक्सिस पर इंटेंसिटी आई थी आपकी 1/4πε0k इंटू 2π/r³। तो 2π, पी मतलब इस डाइपोल का, डाइपोल मोमेंट पी कॉस थीटा है, इसलिए ये हो जाएगा पी कॉस थीटा अपान आर क्यू। या इसको और शॉर्ट में लिखना चाहें तो 1/4πε0k को सिंबोलिकली आप k लिख दीजिए, कोई बात नहीं है, तो k इंटू 2π कॉस थीटा अपान आर क्यू। तो इस कंपोनेंट के ड्यू टू a पर इंटेंसिटी निकल गई। और हम बताए थे कि किसी डाइपोल के ड्यू टू एक्सिस पर इंटेंसिटी का डायरेक्शन एक्सिस के ही अलॉन्ग होता है, तो चूंकि इस कंपोनेंट को हम मन में एक डाइपोल मान लिए हैं और इस डाइपोल के ये पॉइंट एक्सिस पर है, इसलिए इसके ड्यू टू इंटेंसिटी का डायरेक्शन एक्सिस के ही अलॉन्ग होगा। और हम हर बार एक बात आपको बता रहे हैं पहले से भी, जब भी किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी निकालना हो तो वहां पर इंटेंसिटी का डायरेक्शन भी दिखाइए, इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड भी दिखाइए। जैसे हम ए पर इंटेंसिटी निकाले हैं ड्यू टू पी कॉस थीटा, तो पी कॉस थीटा के ड्यू टू ए पर इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड कितना हुआ ये भी मैंने लिख दिया, और इसके ड्यू टू ए पर इंटेंसिटी का डायरेक्शन किधर हुआ ये भी लिख दिया। तो अब हम पी कॉस थीटा के ड्यू टू ए पर इंटेंसिटी निकालिए और उसकी वैल्यू भी दिखा दिए और डायरेक्शन भी दिखा दिए। अब हम पी साइन थीटा के ड्यू टू ए पर इंटेंसिटी निकालेंगे, तो फिर लिखेंगे सेम एज इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए ड्यू टू पी साइन थीटा, ड्यू टू पी साइन थीटा। अब चूंकि डाइपोल मोमेंट का ये जो कंपोनेंट है पी साइन थीटा, इसे भी हम मन में एक इलेक्ट्रिक डाइपोल कहेगी मान लीजिए, तो जब इस पी साइन थीटा को भी हम इलेक्ट्रिक डाइपोल मन में मान लेंगे और इसके ड्यू टू ए पॉइंट पर इंटेंसिटी निकालना है, तो आप देख रहे हो कि ये ए पॉइंट इस डाइपोल के इक्वेटर पर है, इस डाइपोल के इक्वेटर पर ये पॉइंट है, इसलिए इस डाइपोल के ड्यू टू ए पर इंटेंसिटी निकालने के लिए इक्वेटर वाला फार्मूला लगाएंगे। तो हम पिछले पार्ट में पढ़े थे किसी भी डाइपोल के ड्यू टू इक्वेटर पर इंटेंसिटी का फार्मूला होता है पी अपान आर क्यू। तो यहाँ पर इस डाइपोल का डाइपोल मोमेंट है पी साइन थीटा, इसलिए पी अपान आर, पी की जगह पी साइन थीटा अपान आर क्यू। या इसको भी आप चाहें तो 1/4πε0 की जगह के लिख सकते हो इंटू पी साइन थीटा अपान आर क्यू। और हमने पिछले पार्ट में बताया था कि डाइपोल किसी भी डाइपोल के ड्यू टू इक्वेटर पर इंटेंसिटी का डायरेक्शन एक्सिस के पैरेलल होता है, तो चूंकि ये पॉइंट इस डाइपोल के इक्वेटर पर है इसलिए यहाँ पर इंटेंसिटी इसी के पैरेलल होगी, इस तरफ हम बना दे रहे हैं। तो इस तरह आपने देखा कि पॉइंट ए पर दो इंटेंसिटी हो गई, एक ई वन और एक ई टू, और ई वन ई टू दोनों परपेंडिकुलर हैं, इसलिए पॉइंट पी पर रिजल्टेंट इंटेंसिटी ये होगी, इस रिजल्टेंट इंटेंसिटी को हम ई मान ले रहे हैं। तो यहां से वेक्टर एलजेब्रा से हम निकाल सकते हैं कि द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए, तो चूंकि आप जानते हो कि यदि दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो तो रिजल्टेंट निकालने का तरीका है कि अंडर रूट पहले वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस दूसरे वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो यहाँ चूंकि दो इंटेंसिटी E1 और E2 का रिजल्टेंट निकाल रहे हैं और दोनों परपेंडिकुलर हैं, इसलिए रिजल्टेंट इंटेंसिटी हो जाएगी अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर। तो ये हो गया अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर। अब आप क्या कीजिए, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से E1 और E2 की वैल्यू रख के सॉल्व कर लिया जाए, तो ये हो जाएगा E इज इक्वल टू अंडर रूट, पहले है E1 स्क्वायर, तो E1 की वैल्यू है 2kp cos theta अपान r टू दी पावर 3 का स्क्वायर प्लस e2 का स्क्वायर, e2 की वैल्यू है kp sin theta अपान r क्यूब का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इस फिगर को मिटा दें, क्या यहीं से यहां से सॉल्व कर लेते हैं। अब इसको सॉल्व कीजिए
तो E इज इक्वल टू अंडर रूट, तो इसके ये सारा ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, सबका स्क्वायर हो जाएगा, तो 4k² p² cos स्क्वायर थीटा अपॉन r^6 प्लस इसका भी स्क्वायर करो, तो k² p² साइन स्क्वायर थीटा अपॉन r^6। अब इसमें देखिए क्या कॉमन है, उसको कॉमन ले लें, तो k² p² अपॉन r/6, तो k² p² अपॉन r^6 कॉमन हो जाएगा, तो ब्रैकेट में बचेगा 4cos² θ प्लस sin² θ। अब इसको आप रूट से बाहर कर दीजिए, इसको आप रूट से बाहर कर दें इसको, तो ये हो जाएगा e = k² बाहर आएगा k हो जाएगा, p² बाहर आएगा p, r/6 ये हो जाएगा k p/r³, और अंडर रूट में बच गया 4cos² θ प्लस sin² θ। इसको थोड़ा और सॉल्व कर दें, तो k p/r³ इसको लिख सकते हो 3cos² θ प्लस cos² θ प्लस sin² θ, ये 1 हो गया, तो ये हो गया k p/r³ अंडर रूट 3cos² θ प्लस 1, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो e = k की जगह 1/4πε₀ p/r³ अंडर रूट 3cos² θ प्लस 1। तो ये डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल के ड्यू टू एट एनी पॉइंट इंटेंसिटी का ये फार्मूला हो गया। इस फार्मूले से डाइपोल के ड्यू टू किसी भी पॉइंट पर इंटेंसिटी निकाली जा सकती है। इसका बाकी डिस्कशन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू बच्चों।